ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बहुत से ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जो कि आज तक मानव जाति के संपर्क में नहीं आ पाए हैं। वो लाखों सालों से छुपे पड़े हैं और कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो कि आज तक पढ़े बिना यूं ही बंद के बंद पड़े हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा गूढ़ रहस्य बताऊंगा जो कि देखते ही देखते आपकी इच्छा को पूर्ण कर देगा। मोहिनी मंत्रों में इतनी अपार शक्ति होती है कि वो देखते ही देखते किसी को भी आपके वश में कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही इस गुप्त मोहिनी मंत्र में आपको बताऊंगा जो कि किसी को भी आपके समीप ला देगा। और इसको करना बहुत ही सरल है, लाखों वर्षों से इसको गुप्त रखा गया है। और पिछले जमाने में ऐसा होता था कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई तांत्रिक इस मंत्र को किसी को नहीं बताता था। लेकिन मेरे इस चैनल पे आपको ऐसे ऐसे दुर्लभ मंत्र, यंत्र और तंत्र मिलेंगे जो कि विरले ही कहीं पर होंगे, आप उसके ढूंढ भी नहीं सकते। न जाने कहां कहां से, किन कबीलों से, किन ओझाओं से, किन पंडितों से मैं ये सारे ग्रहण करता हूं और उसके बाद आपको देता हूं। और ये सारे जो यंत्र हैं ये मेरी बुक में पब्लिश हैं, आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं 999-284-1625 पर फ़ोन करके। तो आज का जो मोहिनी मंत्र है वो है, किसी भी अपने साथी को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसको अपने वशीभूत करने के लिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि जो है रिश्तों में दरारें आ जाती हैं और धीरे धीरे जो है वो एक चाम जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आप इस गुप्त मोहिनी मंत्र को अपने साथी पर लगा सकते हैं जिससे कि क्षण भर में वो आपके वश में हो जाएगा और पूरी उम्र सिर्फ आपका होके रहेगा। एक ऐसा गुप्त मंत्र है जो कि लाखों खर्च करने पर भी आपको ना मिले, लेकिन आज मैं इस चैनल पर आपको फ्री में दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि ये जो साधना है इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें एकत्रित करनी होंगी। सबसे पहले तो एक कांच की बोतल एकत्रित कीजिए और वो ऐसी हो कि जिसके अंदर हवा ना जा सके, एयर टाइट आपको लेनी है। आप किसी भी पंसारी की दुकान में जाइए, वहाँ से एक कांच की बोतल और एक जो भोजपत्र होता है भोजपत्र ले लीजिएगा, अष्टगंध ले लीजिएगा और आपको एक अर्जित करनी है अनार की कलम। अब अनार की कलम क्या होती है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी अनार की कलम क्या होती है बताइए, हमें वो मिल नहीं रही है कहीं बाज़ार में। तो वो बाज़ार में नहीं मिलेगी, वो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। जिस तरह से यंत्र निर्माण में कई तरह की पक्षियों के पंख से हम यंत्र बनाते हैं, कई पेड़ के तने की छाल से बनाते हैं, कईयों में लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो जो अनार की कलम है वो आपको खुद बनानी है। एक अनार का पेड़ ढूंढ लीजिए कहीं पर भी और उससे एक डंडी तोड़ लाइए और उसको कलम का आकार दे दीजिए और जो शाही बताई जाए उससे उस यंत्र का निर्माण कीजिएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अष्टगंध से, अनार की कलम से, भोजपत्र के ऊपर जो आप फोटो पर यंत्र देख रहे हैं जहाँ पर साथी का नाम लिखा हुआ है वहाँ पर अपने साथी का नाम लिखिएगा। इसके बाद इस यंत्र को उस कांच की बोतल में शहद भरकर, और शहद कैसा होगा, ओरिजिनल शहद, अगर आप बाज़ार में जो उपलब्ध शहद है वो लेकर आओगे तो काम नहीं चलेगा। आपको यदि कहीं से बिल्कुल प्योर शहद मिल पाए, अगर आपके आसपास शहद कहीं लगा हो तो थोड़ा सा शहद ले लीजिए कि वो बोतल जो यंत्र है वो उस बोतल के अंदर डूब जाए। इतना शहद आपको चाहिए कि वो जो यंत्र है वो उस बोतल में शहद के अंदर डूब जाए। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है कि वो जो बोतल है उसको एक ऐसे सुनसान स्थान में गाड़ आइए जहाँ पर कि दूर दूर तक कोई ना आता हो। आप इसे किसी गुफा में रख सकते हैं, किसी सुनसान जंगल में गाड़ के आ सकते हैं, किसी वीराने ऐसी जगह में रख कर आ सकते हैं जहाँ पर कि कोई आता जाता ना हो, लेकिन ये आपको ज़मीन के भीतर गाड़नी है।
कहीं पर भी गाड़िए, लेकिन ऐसा हो कि वहाँ पर कोई आत्मा पहुँच ना सके। ऐसे स्थान में जाकर इसको गाड़ के आ जाइए और आप पाएंगे कि एक हफ्ते के भीतर भीतर जो भी आपका साथ दे था, जो भी जिसको भी आप अपने अनुकूल करना चाहते थे, वो आपके इतना समीप आ गया है कि आप खुद मेरे पास आओगे और कहोगे गुरु जी इसको मुझसे दूर करो। तो ये बहुत ही चमत्कारी यंत्र है जो मैंने आज आपको दिया है। इसको किसी पर भी मोहिनी लगाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें कुछ सावधानियां हैं जो आपको सदैव ध्यान रखने, जब भी आप ये साधना शुरू करें उस दिन बुधवार होना चाहिए, बुधवार के दिन आपको ये शुरू करना है। शुरुआत से पहले आपको विधिवत पूजा करनी है यंत्र की, और नवेद और धूप दीपक दिखाइए और यंत्र राज से प्रार्थना कीजिए कि जो आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता दे। ऐसा करने के बाद अपने इष्ट देव, जैसे कि आप जो भी जिसको भी मानते हो या फिर आपका जो कुल देवता है, उसको कुछ चढ़ाएं। इन दोनों को प्रसन्न करने के बाद आपको ये यंत्र जो है अपने समीप किसी जंगल में किसी वीराने में गाड़ के आ जाना है, और हफ्ते भीतर आपको इसका असर दिख जाएगा। और इसमें जो सावधानियां हैं वो हैं, आपको मांस मदिरा नहीं खानी है। अगर आप मदिरा का सेवन करते हैं तो इस यंत्र को मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें काम नहीं करेंगी फिर आपके लिए। जिसको भी चाहिए कि ये चीज़ें उसके लिए पहली बार में काम कर जाएं, तो जिस दिन से आप इसको शुरू करें उस दिन से आपके आसपास कोई ना हो, आप बिल्कुल वैराग्य धारण कर लीजिए कि आप किसी से बात ना करें, बस अपने आप को शांत रखें, और किसी भी तरह का बस इतना कर लीजिएगा कि मांस मदिरा से दूर रहें और बिल्कुल सात्विक जीवन जिए एक महीने तक, जब तक कि आपका ये जो कार्य है ये सिद्ध ना हो जाए, तब तक बिल्कुल सात्विक जीवन जिए। और फिर देखिएगा कि कैसे हफ्ते भीतर आपका ये जो मनोरथ है ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक हफ्ते में पूरा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी महीने मांस मदिरा का सेवन शुरू कर दें। थोड़ा सा संयम रखिएगा, एक महीने तक बिल्कुल शुद्ध रहिएगा, और जब तक ये पूरा ना हो जाए एक महीना, तब तक आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनको कि मांस मदिरा से चिढ़ है। इसमें जो है काली का वास होता है इस मंत्र में, तो ये जो कुछ भी होगा ये माँ काली आपको ला कर देंगी, जो भी आपकी मनोकामना होंगी। तो उनको जो है ये पसंद नहीं कि उनका जो साधक है वो इस तरह का कोई भी त्रुटिपूर्ण कार्य करे। तो आपको सात्विक रहकर ये साधना करनी है, और फिर देखिएगा आपके जो कार्य हैं वो बनते चले जाएंगे। यदि आपने इसके बीच में कोई भी त्रुटि कर दी तो इसमें लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि इसको तभी शुरू करें जब आप ये सब कर सकें, अन्यथा इसमें लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। किसी भी तरह की हानि के लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है और इसको कभी भी किसी का नुकसान, किसी का अहित करने के लिए प्रयोग में ना लाएं। अगर आपका जो साथी है वो रूठ कर चला गया हो या फिर कोई मनमुटाव हो गया हो, तब इसको यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस सात्विक रहकर इसको यूज़ कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने सिर्फ परखने के लिए इसको यूज़ किया या फिर सिर्फ देखने के लिए कि मंत्र की और तंत्र की क्या शक्तियाँ होती हैं, तो ये चीज़ें आप पर भारी पड़ सकती हैं। तो ऐसा कतई ना कीजिएगा।